फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आसिफ म्यूजिक बैंड में। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे बहुत इजीली आप त्रिपुट सीखने वाली हैं, बहुत इजीली सॉन्ग बताने वाली हैं आपको, बहुत ही प्यारे सॉन्ग, बहुत ही ट्रेंडिंग फॉल सॉन्ग जो आपके हर हमेशा काम हो। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग आज बताने वाला हूँ। आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा कौन सा सॉन्ग है। बहुत प्यारा सॉन्ग मोहम्मद रफी से आपका सॉन्ग और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला सॉन्ग है। ये सॉन्ग आप अपने त्रिपुट में बहुत इजीली गा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, आप अच्छे से गाने की जो सरगम होती है, जो सुर लगती है, उसे अच्छे से ध्यान से याद कर लें। जो मैंने अभी सुर बजाए थे, अभी आपके सामने मैंने पेश किए थे, उसको अच्छे से आप अच्छे से प्रयास कर लें, उल्टी पलटी मार के आराम से अच्छे से प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद आपको इजीली ये गाना मिल जाएगा। तो दोस्तों देखें किस तरीके से इस गाने को निकालेंगे अपने त्रिपुट में बहुत इजीली। तो सबसे पहले सुर देखें, मैं आपके बिल्कुल करीब आ रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो ध्यान से देखते रहिए हमारे चैनल आसिफ म्यूजिक बैंड पे। अगर चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल करीब आ रहा हूँ ताकि आपको एक एक चाबी दिखाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको करीब आ चुका हूँ, आपको एक एक चाबी यहाँ से दिखेगी। तो सबसे पहले गाने का जो इसकी जो सुर लगती है, कौन कौन से सुर लगने, वो आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों इसमें बस आपको सुर देखना, कौन कौन सी इसमें चाबी लगनी, वो आप बहुत ध्यान से देखें। देखें दोस्तों, शुरू का म्यूजिक है, देखें बहुत ध्यान से। बस म्यूजिक हो जाता है, इसके बाद दोस्तों गाने के बोल आ जाती है। आने से उसके आए तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत यहां से, ठीक है। बहुत इजीली बोल रहे हैं दोस्तों आप, बहुत इजीली यहाँ, बहुत इजीली यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत ही प्यार से मैं आपको एक एक चाबी बहुत धीरे से बता रहा हूँ, बहुत स्लोली स्लोली, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों इसके बहुत इजीली बोल रहे हैं, आप अच्छे से देख लें और ध्यान से सीख सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा म्यूजिक भी देख लें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो बस यही मैं आपको बताऊँगा कि आप जो मैंने आपको शुरू में जो बताए थे, जो सुर बताए थे,
सरगम बताई थी जो इसकी, वो सरगम को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको गाना बहुत ईजीली मिलेगा, आप खुद ब खुद बजाने लगेंगे। बस वो उसको अच्छे से याद करें, फिर भी आप एक बार इसका म्यूजिक देख लें, बोल एक बार फिर से देखें। तो दोस्तों म्यूजिक आ जाता थोड़ा दोस्तों। फिर म्यूजिक आ जाता है, म्यूजिक के बाद फिर गाना आ जाता, अंतर आ जाता है, सॉरी अंतर आ जाता है। बन सबर के निकले आए सावन का जब जब महीने। दोस्तों आपने बहुत अच्छे से सुना होगा गाना, बहुत ट्रेंडिंगफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबने सुना ही होगा। तो अच्छे से इसको याद कर लें और फिर आराम से अपने त्रिपुट में लगा सकते हैं। देखिए इसका जो अंतर है, आराम से इस पे पीस मार सकते हैं आराम से म्यूजिक के। दोस्तों बहुत बहुत ईजीली मैंने आपको बता दिया, आप आराम से ध्यान से देखें और आराम से घर बैठे अपने त्रिपुट सीखें बहुत ईजीली। तो दोस्तों एक बार फिर से ध्यान से जो सुर लग रहे हैं कौन कौन से सुर लग रहे हैं, कौन सी सरगम है, वो आराम से आरोही अवरोही कर लें अच्छे से और देख लें। तो हेलो दोस्तों, आपको उम्मीद है बहुत ईजी मैंने आपको बहुत ही प्यार से बता दिया है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग है। मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई थी कि इस गाने को भी बताएं, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है शादी पार्टी में, देखता हूँ ज़्यादा बजता है, बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश आती है। तो ये गाना भी बहुत यूजफुल है, आप इसे भी अच्छे से सीखें। और दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत ईजीली बताने वाला हूँ आपको, आगे चल के बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत अच्छे से त्रिपुट सीखने का मौका मिल रहा है। बस
आप आराम से हमारे चैनल पर बने रहिए और आराम से बहुत इजीली ट्रम्पेट सीखते रहिए, बहुत इजीली आपको बहुत इजीली आप बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, जिससे आप ट्रम्पेट हमेशा के लिए अच्छे से सीख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बस ऐसे ही बने रहिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और अच्छे से कमेंट डाल दें ताकि मुझे थोड़ा हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।